अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम, आज की मेरी वीडियो जो है वो जिस टॉपिक के बारे में वो है लोड बोर्ड। कि लोड बोर्ड, आपको पता है कि डीएटी के मसला आने के बाद से बहुत सारे लोगों को ये परेशानी है, अक्सर मैसेज कर रहे हैं जी अब क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करना है। उसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो इस वीडियो के साथ मैं एक अटैच कर दूंगा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को बताना ये है कि इस टाइम अगर आपने लोड बोर्ड खरीदना है, डीएटी की बात करूं, तो उसके लिए एक तो अगर आप यूएस से बाहर कहीं से यूज करना है तो कोशिश करें कि आप वीपीएस पे यूज करें या आरडीपी वगैरह पे यूज करें, और उसके सेशन वगैरह ना बनाएं, क्योंकि सेशन बनाते जाएंगे सर्चे ज्यादा होती जाएंगी तो वो फौरन ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन खरीदने का क्या तरीका कार है? खरीदने का ये तरीका कार है कि इस टाइम आप दो तरीकों से उसको खरीद सकते हैं, मतलब ऑफिशियली जो उनकी वेबसाइट से, दो तरीकों से आप खरीद सकते हैं। एक तरीका कार तो ये है कि आप उस पे ड्राइवर की एमसी पे खरीदें करें, वो ड्राइवर के पास कॉल जाएगी, वेरिफिकेशन करेंगे और देन आप उस लोड बोर्ड को यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कार ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव यूएसए में है तो वो उनको जो डीएटी का अपना एक ऑफिशियल नंबर है उस पे कॉल करके तभी आप उस पे खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी एलएलसी, उस बंद जो बंदा कॉल कर रहा है उस बंदे के नाम पे एलएलसी वगैरह, उसकी एलएलसी होनी चाहिए, वो एलएलसी की भी डिटेल लेते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, और मतलब दे मेक श्योर कि आप इस टाइम यूएसए में बैठे हुए हैं और यूएसए के अलावा कहीं पे किसी और को डीएटी वो नहीं परचेज करने दे रहे। तो ये तो दो तरीके हैं। तीसरा तरीका कार ये है कि जो रीसेलर इसकी सीट वगैरह या सेशन पे, तो अभी फिलहाल मुझे नहीं पता कि सेशन उसके बन रहे हैं या चल रहे हैं नहीं चल रहे, एज पर माई इंफॉर्मेशन के सेशन अभी तक कोई कामयाब नहीं है। तो लोग ऐसे भी हैं जो सीट है, जैसे अगर $45 की सीट है तो वो $50 $60 में वो सीट दे रहे हैं। इसी तरह अगर 180 वाली सीट है तो वो आपको $180 वाला लोड बोर्ड है तो वो आपको 200 का दे रहे हैं, लेकिन आपको रीसेलर से भी लोड बोर्ड मिल रहा है लेकिन थोड़ा महंगा मिल रहा है। और दूसरा ये है कि वो इस चीज़ की गारंटी नहीं लेते। ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करने का ये फायदा है कि अगर बंद हो भी जाता है आपका लोड बोर्ड तो वो आपको आपकी जो रकम है, जो आपने जो परचेज किया होता है, वो आपको पे बैक कर देते हैं। और आगे इसके अलावा क्या सलूशन है, जैसे मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। डीएटी नो डाउट इज अ नंबर वन लोड बोर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डीएटी नहीं है तो आपका बिल्कुल काम रुका हुआ है या इस तरीके से। और वो कैसे, मतलब इस वीडियो के साथ मैं एक वीडियो अटैच करूंगा, उससे आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं डीएटी के बंद होने से या डीएटी की एक्सेस ना मिलने से। एक तो एक्सेस खत्म नहीं हुई, पहली चीज तो ये आपने जहन में रखनी है, लेकिन इसकी एक्सेस खत्म होने से ऐसा नहीं है कि आपका आपका जो बिजनेस है वो सारा का सारा मतलब फ्लॉप हो गया या बिल्कुल बंद हो गया। स्लो जरूर हुआ है, एफर्ट थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन ऑप्शन क्या मौजूद है वो मैं अभी इस एक वीडियो साथ अटैच करता हूँ, उसमें आप देख लें और आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मतलब हाउ यू कैन मूव ऑन इन दिस सिनेरियो। आकिब, ये बताओ कि डीएटी तुमने कितने दिनों से यूज नहीं किया? अच्छा, तो लोड कैसे बुक कर रहे हो फिर? लोड मैंने वो 3 4 5 लोड बोर्ड देख रहा हूँ, उनसे लोड बुक किए हैं। कौन कौन से, जरा ऊंचे बोलना, आवाज इसमें सही नहीं जरा आएगी। पहला तो ये यूज़ कर रहा हूँ सैकेट क्यूब, क्योंकि इसमें डीएटी के भी 1 2 3 लोड बोर्ड के भी और ट्रक स्टॉप के भी लोड आ रहे होते हैं। ये ठीक देख है। सकते हैं आपके डीएटी का ये लोड है, ये ट्रक स्टॉप का है, ये 1 2 3 लोड बोर्ड का है। इसमें तकरीबन ये 3 मेन इससे अभी है। तक कोई लोड बुक की है? इससे मैंने लास्ट सैटरडे को लोड बुक किया था, बहुत आला था वो, 100 माइल्स का, $1400 लिए थे इससे। और अभी ये दो लिए हैं मैंने ब्रोकर से, ये ये कौन सा है? एडन लॉजिस्टिक्स से लिया है, ये ठीक परेड है, का है, ये टीक्यूएल का लिया हुआ है। उसके ठीक है। बाद ये एक डायरेक्ट फ्रीट है, ये डायरेक्ट फ्रीट से भी बड़े अच्छे सेक्रेट लोड, क्यूब के अलावा यानी सारे फ्री के लोड बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं? फ्री के लोड बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और मोबाइल पे मैंने ट्रक स्मार्टर किया हुआ है, इधर से भी मैंने एक लोड बुक किया है। इनमें से सबसे बेहतर लोड बोर्ड आपको कौन सा लगे? इस वक्त अगर डीएटी जाने के बाद मैं देख रहा हूँ तो सैकड़ क्यूब है, क्योंकि इसमें डीएटी के भी आ रहे हैं, 1 2 3 के भी और ट्रक सारे लोड स्टॉप आते हैं डीएटी के? और के। नहीं, डीएटी के सारे तो नहीं, लेकिन 50% आ रहे होते हैं, अच्छा, मतलब गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा और है। ट्रक कौन कौन से देख रहे हैं आप अभी? ट्रक मैं रीफर को
पावर ओनली को और बॉक्स ट्रक को। ये इधर पावर ओनली का सर्किट क्यूब ओपन किया हुआ है और इधर अपना रीफर का लगाया हुआ है फिल्टर। ठीक हो गया। और ये जो बाकी जितने लोड बोर्ड्स हैं ये फ्री के लोड बोर्ड्स हैं बिल्कुल इनके? फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, और ये डायरेक्ट फ्रीट भी फ्री है। और ट्रक स्मार्टर तो बिल्कुल फ्री है ना, ये तो सिर्फ आपके अपने कैरियर के फ़ोन नंबर और एमसी से आप इसे ट्रक स्मार्टर को रन कर सकते हैं। तो वैसे ट्रक स्मार्टर के बारे में आपकी क्या राय है, कैसा है लोड बोर्ड ट्रक ये? स्मार्टर में आप ये देखें कि आपको जो डीएटी के लोड ब्रोकर्स हैं वो इधर नज़र आएंगे। ये सीएचएन रॉबिन्सन है, ये टीक्यूएल है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये जीएक्स है, ये फोर्स फोक्स है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस है। ये जितने डीएटी पे आपको तकरीबन ब्रोकर्स नज़र आते थे वही इधर नज़र आते हैं। ये ट्रिपल ट्री तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब है, कहने से अगर मुराद ये है कि आप समझते हैं कि डीएटी के जाने के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपका काम बिल्कुल रुक गया है या ठप हो चुका हुआ है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये कह सकते हैं आपके थोड़ा सा जो पहले आप फास्टली काम करते थे थोड़ा सा उसमें ज़रा कह लें कि आपकी मतलब स्पीड डिफरेंट, हाँ, स्पीड सर्च करने पड़ जाते होंगे डिफरेंट और टास्क करने पड़ रहे हैं, तब आप डीएटी पे देखते थे आप निकालो कोई लोड बढ़िया। बोर्ड दूसरा है ज़रा। और कौन कौन से यूज़ कर रहे हो एक दफ़ा दोबारा नाम बताओ। एक ये सेक्रेट क्यूब है, एक एक सैकड़ क्यूब है, ये पेड एक है, ये पेड और है, ये पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ, वो जो बिल्कुल इंटीग्रेशन की बिल्कुल हुई है। ये ठीक बिल्कुल है, ये वही है, ये अच्छा, एक ब्रोकर ने दिया हुआ है, एड इन ये एडियन लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स ने, ठीक हो ये एक गया। टीक्यूएल का लोड बोर्ड है, ठीक ये है, एक डायरेक्ट फरीड है, और हाँ, जो पांचवा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ अपना ट्रक स्मार्टर। वो तो अभी इसका मतलब ये है कि जो बात मैं करता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं, थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ी सी लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं नहीं नहीं या लोड आपके बुक हो रहे हैं। लोड बुक हो रहे हैं, पिछले हफ्ते मैंने 4 लोड बुक किए हैं। बस ये कह सकते हैं कि अगर जहां आप एक हफ्ते में 5 कर रहे थे या प्री बुकिंग कर रहे थे, अभी मैं प्री बुकिंग देख रहा हूँ, आज भी मैं मंडे का लोड देख रहा हूँ, आज क्या दिन है? आज हफ्ता है, आज सैटरडे। भी मैं मंडे का लोड देख रहा हूँ, रीफर का भी और बॉक्स ट्रक का भी। ये नहीं है, लेकिन वो था कि डीएटी पे आप बिल्कुल 2-3 घंटे लगाए, आप 2-3 लोड बुक करके प्री बुक भी कर मतलब सकते थे। डीएटी नंबर वन है, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन कि आप कहें कि बस डीएटी नहीं है तो आपका कारोबार ठप है, नहीं बिल्कुल नहीं ख़त्म हो बिल्कुल भी गया। नहीं, डीएटी का बस फायदा ये था कि आपका काम बहुत तेज चल रहा था, लेकिन उसके ना होने से एक ही अभी उस पर सारी एक सर्चेज आ जाती थी ना ही बेसिकली, आपको कुछ करना बस नहीं पड़ता था कि इस तरह, आपके मतलब डिफरेंट लोड बोर्ड आपको नहीं ओपन करने नहीं पड़ते। ओपन करने पड़ते थे। और सेकंड क्यू में सिर्फ एक ही इशू है कि इस पे आप सिर्फ एक ही सर्च ऐड कर सकते हैं, आपने अगर दूसरी सर्च ऐड करनी है, जैसे इधर रिफर की मैंने लगाई हुई है तो इस तरफ सेकंड क्यू दूसरा खोला हुआ है, उधर और मैंने दूसरा ये पावर कि इस पे वो भी आ जाता है ना, वो सर्चेज वाले लिमिटेशंस भी आ जाती है लिमिटेशंस भी हैं अक्सर। हाँ, और पावर लेकिन ओनली ये है कि मतलब आपका गुजारा चल रहा है, ये गुजारा नहीं चल है रहा है। कि मतलब आप कहें कि बिल्कुल ही कुछ। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है काम, फर्क तो पड़ा है हल्का सा जो कहते हैं रफ्तार में, बाकी ये लोड बोर्ड मतलब पहले जहां आप मल्टीटास्किंग 2 घंटों में लोड बुक कर रहे थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं या 3 घंटे लग रहे हैं, तीन लेकिन घंटे लोड लग लोड लोड मिल बुक हो जाता रहे है, हैं, बुक हो रहे हैं। बुक हो रहे हैं। ठीक है, यही मेरा मेन कंसर्न था और यही मैंने अपनी ऑडियंस को भी बताना था। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका।